गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल सहिता जोशी ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत में कर रही हूँ सुबह 7 बजे से, और नहा धो के सब रेडी हो चुके हैं और यहाँ पर बन रहा है नाश्ता। तो आज हम सोचा कि पोहा बनाते हैं, तो पोहा बना रहे हैं। गौरी बना रही है आज पोहा। तो दोस्तों यहाँ पे पोहा बन रहा है। सबसे पहले इसने तेल में कढ़ाई में डाल दिया है, दूध को साइड रखना, उसमें भी आते हैं कुछ ठंडी लगा दे। अरे नहीं, ये वाली से बना दिया। हाँ तो छेद वाली छेद उसको डालना। अरे हो गया ना, अब कुछ नहीं होता। इतना यहाँ डाल दिया है गोलू ने, और बहुत बारीक काट रखा है। मैं काम अच्छा ही करती हूँ। हमारे पास में सूखे अवेलेबल नहीं थी, तो हम आए थे। तुम्हारे लिए आते थे लो, तुम्हारे पसंद है। मैं तो बाटर खरीदा। अच्छा, खा के देख लेना फिर बोलना। ओके, दब पंखा खोलो प्लीज। पोहा इसमें धो लिया है। वैसे पोहा को मैं ज्यादा धोना भी नहीं चाहिए, थोड़ा सा धोके होता है। एक बार तो हो जाता है। एक बार दिखा दे। हाँ ऐसा ही हो रखा है, खिला खिला एकदम। अभी पोहा बनाते हैं, अभी फिर हम खाएंगे पोहा। दोस्तों जब तक नाश्ता बनता है मैं जाती हूँ ऊपर पूजा करने के लिए। मम्मी पूजा कर रही है, उसके बाद मैं करूँगी पूजा। हम पापा तो पूजा पाठ करके चले गए हैं कहीं, उन्हें कहीं जाना था पूजा पाठ में, तो वो तो चले गए हैं। बाकी अभी हम नाश्ता पानी करेंगे, उसके बाद फिर जाएंगे नीचे गाय का देखने के लिए। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं। दोस्तों सुबह 7 बजे चंपानगर का मौसम मैं आपको दिखाती हूँ। गर्मी यहाँ भी बहुत होने लग गई है। अब सुबह सुबह सूर्योदय हो चुका है बहुत पहले ही, और यहाँ से सामने पहाड़ियाँ दिखती हैं। सामने का ये पहाड़ दिखता है, अभी जो धुंधला दिख रहा है, लेकिन जब बारिश वारिश होती है तो बिल्कुल क्लियर दिखता है यहाँ पे। और सामने एक मंदिर भी है कहड़गांव में। यहाँ से देखिए आपको दिखाती हूँ कि हमारा घर से बाहर का जो व्यू है वो कैसा दिखता है। ये देखिए ऊपर की साइड को हमारा कॉलेज का एरिया है, और यहाँ को है हमारा गांव, जो कि अभी बहुत ही कम, 2-4 ही घर दिख रहे हैं, बट बहुत बड़ा गांव है। पाठ और कृष्णा जी को अभी कपड़े पहना रही हैं, और मम्मी के बाद फिर मैं करूँगी पूजा। नाश्ता कर लेते हैं, पोहा बन चुका है और सब्जी करते हैं। तो दोस्तों दीजिए घर से तो हम लोग आ गए हैं ऊपर पानी वाले घर के, और आज गौरी का स्कूल है, मतलब इसका प्रैक्टिकल है स्कूल कॉलेज का। तो कॉलेज गौरी तो कॉलेज जा रही है, तो आज नीचे नहीं आई थी, तो रेडी हो चुकी है गौरी। देखो गौरी रेडी हो चुकी है, और आज इसका जियोग्राफी का प्रैक्टिकल है। गौरू तैयारी कर ली तुमने? हैं क्यों, प्रैक्टिकल की तैयारी होगी? हाँ होगी, सारी सारी होगी। दोस्त कहाँ है? अरे बस वो देखा मुझे जाना। ठीक है, ऑल द बेस्ट। छाता ले आनी। मैंने ऑल द बेस्ट तो बोला ही नहीं पहले, थैंक यू क्यों बोल दिया? पता था ना बोलेगी। अच्छा, वहां से छाता चाहिए तो रहने जा रही। ले जा, फिर ले जा, ले धूप हो रही बहुत, ले जा। हाँ तो दोस्तों मैं भी ये कपड़े सुखा देती हूँ ऊपर, जो नीचे से हम लेके आए हैं। आधे से ज़्यादा तो ये सूख चुके हैं, पर थोड़ा और इनको सुखाना है। पूजी पीछे पानी भर रही है वहाँ पे नल में, और मैं सुखा देती हूँ। दस बज के 21 मिनट हो रखे हैं, और अभी मैं जा रही हूँ मंदिर के बर्तन साफ करने के लिए। थोड़ा सा पूजी नहा रही है और कपड़े वगैरह धो रही है अपने। उसने सुबह से पानी वानी भरा, तो पानी भरने के बाद गर्मी फिर से हो जाती है, तो अभी वो नहा रही है। और मम्मी ने यहाँ पे आज पनीर भी बना रखा है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मम्मी कैसे पनीर बनाती है। ये नींबू और नमक मैं ले जा रही हूँ मंदिर के बर्तन साफ करने के लिए। यहाँ पे मम्मी ने पनीर बना दिया है। तो ये पनीर बनाने के लिए ना दूध को उबालना पड़ता है, और उबालते उबालते इसमें नींबू डालना पड़ता है, तो ये इस तरह से फट जाता है, देखो इस तरीके से। और उसके बाद इसको जमा देंगे तो ये पनीर बन। जो घर का जो पनीर होता है उसका टेस्ट ही अलग होता है, बहुत टेस्टी होता है। तो शाम को आज पनीर बनाएंगे हम, और फ्रेश पनीर है, घर का बना हुआ है, तो इसका टेस्ट तो कुछ और ही होगा। क्यों वैसू है ना? हाँ। चल फिर बर्तन धोते हैं अब हम। ठीक है,
मैंने बर्तन वगैरह तो सब धो दिए हैं मंदिर के। पूजी भी पानी लेके आ गई है और लेके आई है एक आइसक्रीम अपने लिए, एक मेरे लिए, एक गौरू के लिए भी लेके आई है। तो यहाँ पे गौरू पूजी आइसक्रीम खा रही है अपनी, और आज लाइट भी नहीं है ना तो जल्दी पिघल जा रही है। बोलिए यहाँ पे मैंने बर्तन धो दिए हैं और इनको धूप में सुखाने के लिए रख दिया थोड़ी देर। ठीक है दोस्तों, अब मैं भी अपनी आइसक्रीम खाती हूँ और फिर मिलते हैं आप लोगों से। लाइट नहीं है दोस्तों। आज मम्मी बना रही है दाल चावल और झोली, और झोली बन रही है हमारी गायछा की या दही की है मम्मी? दही की झोली बना रखी है मम्मी ने। तो दिन का खाना भी बनना है और उसके बाद हम लोग खाना पीना खाएंगे। गौरी पेपर देने गई है अपना, मतलब उसका प्रैक्टिकल है, तो जब वो आएगी तो उसके साथ खाना पीना खाएंगे। फिर मिलते हैं आप लोगों से। यहाँ पे बन रखी है दाल मिक्स और ये बन रही है हमारी देसी देसी झोली, तो उसके बाद खाना पीना खाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे अभी ताई के घर में ना खीरा और रखा था, खीरा और रखा था तो घर का खीरा है, तो अभी इनको एक खीरा दे के गई तो ये खा रहे थे। पूजी गौरी न पूजी कैसा हो रहा था? कड़वापन है ना, तो थोड़ा हल्का कड़वा है। अच्छा, तो घर के कड़वा जो खीर होता है तो कड़वापन होता भी है वैसे भी। आज गए थे कहीं तो यहाँ पे पापा गए थे आज कथा में, और वहाँ से सूजी लेके आए हैं, और पूजी यहाँ पे सूजी खा रही है। दीव दीव वैसे को भी सूजी नहीं है, ये प्रसाद है जो उसमें भोग। तो दोस्तों यहाँ पे पापा आज गए थे मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए, तो वहाँ से प्रसाद लेके आए हैं, तो ये लोग अभी इस प्रसाद खा रहे हैं सब। ये रहा प्रसाद, खा चुके ये पूरा भर के था। हाँ। ये पूरा मतलब पूजी ने खा लिया है थोड़ा सा, दीव और वैसु ने भी खा लिया है। कैसा लगा दीव वैसु? अच्छा हो रहा था। ठीक है, अब पूजी यहाँ पर थोड़ा सा जो बचा हुआ है इसको पूजी खाएगी, और मैंने भी टेस्ट करा तो बहुत टेस्टी ये प्रसाद हो रखा है, ये देखिए। और वैसे खाना खाने लग गए हैं, और दाल और चावल और झोली मिक्स करके इनको दे रखा है। टेस्ट करके बताओ कैसा हो रहा है। ठीक है, चलिए दोस्तों खाना खा लेते हैं हम भी, फिर मिलते हैं आप लोगों से। बहुत टेस्टी टेस्टी लग रही है झोली और दाल मिक्स करके ना। शाम का टाइम हो रखा है और अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा खेत की तरफ को, तो मम्मी आगे जा रही है बीज लेके, और खेत में आजकल ट्रैक्टर आ रहे हैं तो सफाई तो कर रखी है मम्मी ने, लेकिन ट्रैक्टर का कोई भरोसा नहीं है। तो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं, और मैं भी मम्मी के साथ जा रही हूँ थोड़ा सा, ऐसे घूमने घुमाई भी हो जाएगी और थोड़ा सा खेत भी दिख जाएगा। और मम्मी आगे से बीज लेके जा रही है, भट्ट अगर हमको ट्रैक्टर मिल जाएगा तो आज वहाँ पर भट्ट बोने हैं। दोस्तों खेत में चलते हैं और फिर मिलाते हैं आपको सबसे। दोस्तों हम लोग भी खेत में पहुंच चुके हैं, और पीछे से आप लोग देख रहे हो सभी लोग आ रहे हैं खेत में हल चलाने के लिए, पर यहाँ पर अभी सबका नंबर लगा हुआ होता है, तो उधर चल रहा है ट्रैक्टर, अभी उधर को बीज बो रहे हैं सब लोग, तो यहाँ को तो आएंगे या नहीं आएंगे ये पता नहीं, तो अभी देखते हैं क्या होता है करके। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं खेत में, और बहुत टाइम हो गया है बैठे हुए, तो यहाँ पे ना एक गाय आई हुई है। वैसे तो बहुत सारी गाय हैं, एक गाय यहीं पे आ गई है, तो बहुत सीधी गाय है, आपको मैं दिखाती हूँ उसको। ठीक है, वो देखो कितनी सीधी मीनू एक बार। चलिए दोस्तों तो मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ यहाँ की, इतनी सारी गाय तो कुछ यहाँ पे है, बाकी ऊपर को गई हुई है। एक यहाँ पे देखो छोटी सी इसकी बच्ची भी है उसके साथ, अभी हम उसको देखने जा रहे हैं थोड़ा सा। बहुत सुंदर लगते हैं ना गाय, क्योंकि सीधी होती है, देखो कैसे उजाओ देखो इसके यहाँ छोटी बच्ची भी है उसकी, ये देखो। तो ये हमारी खेत है दोस्तों, नीचे को मैं पूरा दिखाती हूँ आपको, देखो कितना प्लेन इलाका है। इस बार तो बारिश नहीं हुई ना, उस वजह से आपको सूखा सूखा लग रहा होगा, लेकिन जब आजा आले कितनी प्यारी लग रही छोटी बच्ची है देखो ये। दोस्तों ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और अगर बारिश हुई होती तो यहाँ पे इतना अच्छा होता ना।
अगर बारिश हुई होती तो यहाँ पे पूरा हरा भरा हुआ रहता। अभी तो हरा नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे अब ट्रैक्टर से लोग बो तो रहे हैं, लेकिन इतनी सारी गाय है तो ज़्यादा कुछ हो नहीं पाता। लेकिन जब हरा भरा होता था ना पहले तो बहुत ही सुंदर ये लगता था। अब जैसा भी ये टाइम था वो चेंज हो जाता है, तो हवा तो चल ही रही है, लेकिन मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, मेरा तो मायका ही हुआ। बाकी हरा भरा होता तो और भी सुंदर लगता है, यहाँ का जो इलाका है वो देखने लायक होता है। अभी बारिश हो जाएगी तो फिर से उग जाएगा अनाज। देखो प्यार कर रहा है अपनी बेटी को, ये होता है प्यार दोस्तों। थोड़ी देर ऊपर बैठ के उसका इंतजार कर रहे थे हम ट्रैक्टर का, ट्रैक्टर तो नहीं आया। तो अब हम फाइनली खेत में पहुंच चुके हैं, जिस खेत को हमने करना है। ये हमारा खेत नहीं है, बस हम बस इसको बो रहे हैं इस बार। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत गंदगी हो रही है, तो अब हम इसको साफ़ कर दे रहे हैं। मम्मी तो लगी अपने काम में पीछे, अब मैं भी थोड़ा बहुत मम्मी की हेल्प कर देती हूँ और सफाई करते हैं इस खेत की। वेट करते करते मैंने बहुत सारे रील्स भी बना लिए यहाँ पे, और बैकग्राउंड इतना अच्छा आ रहा है मैं आपको बता ही नहीं सकती, क्योंकि पहाड़ का वैसे भी पहाड़ी जो लोकेशन है बहुत अच्छी आती है ना, और यहाँ पे तो अगर हरा भरा होता तो कुछ और ही बात होती, लेकिन अभी भी बहुत सुंदर आ रहा है रील्स में। मैंने बहुत सारे रील्स भी बना दी है। मम्मी उधर बैठी है पीछे वेट कर रही है ट्रैक्टर का। अभी यहाँ पर तो आ गया ट्रैक्टर, अभी देखते हैं हमारे खेत में कब आता है। ठीक है फिर। तो दोस्तों खेत तो हमारा नहीं मतलब कि जोता गया क्योंकि ऊपर को ट्रैक्टर। दोस्तों हम लोग भी चलते हैं अब घर को, खेत वेत में हाल तो कुछ नहीं चला, थोड़ी देर थोड़ा ऐसे खाली टाइम पास हो गया है। अच्छा हवा खाली और सफाई भी हमने क्या करी, थोड़ा एक दो सॉन्ग वॉन्ग काट दिए हैं बस, जो भी थोड़ा सा ये झाड़ वगैरह हो रखा था थोड़ा सा काटा। अब हम जाते हैं घर को, ठीक है अंधेरा भी होने वाला है, वैसे तो अभी 6:30 हुए हैं, तो चलते हैं घर की तरफ। पीछे दोस्तों यहाँ पे देखो ट्रैक्टर से चल रहा है यहाँ पे हल। अभी हमारे वहाँ तो हुआ नहीं, मैं दिखाती हूँ आपको कैसे ये हल चला रही है। तुम देखो मम्मी उनसे पूछ रही है कि कब आओगे इधर को करके, पूछ के आएंगे ना तब, वरना फिर दोबारा आएंगे, फिर अगर नहीं चलेगा हल तो फिर दोबारा खजीता होगा खाली। तो घर तो हम लोग आ गए थे और यहाँ पे पूज की रोटियां भी बनने लगी है, ये देखो। अभी टाइम में आपको बताती हूँ कितना हो रखा है। अभी गर्मी लग जा रही है ना बहुत, आजकल जल्दी बना रही हूँ। 8 बजे रखा है अभी खाना पीना, इसका सब्जी सब बन गई, दूध वाले रखा हुआ है और रोटियां बनाने लगी है पूजी। और यहाँ पे अभी पापा ने रायता खोल रखा था मेरे का, तो गायछा से मैंने रायता भी बना दिया है। मैं आपको दिखाती हूँ गायछा का रायता, मैंने हल्दी थोड़ा कम ही डाल रखी है उसमें, ये मत कहना कि कितना बना रखे। ये देखो ये हमारा रायता है, गायछा का रायता बहुत टेस्टी होता है दोस्तों, खाया होगा आपने। हरी मिर्च वगैरह काट के बना रखे मैंने ये। तो ठीक है दोस्तों, पूजा भी रोटी बनाती है, गर्मी के इसके चेहरे पे गर्मी साफ दिख रही है मुझे यहाँ पे, पसीना टपकते हुए। तभी जल्दी बना रही हूँ। हाँ फटाफट रोटी बना के फिर थोड़ी देर वो जो बाहर हवा चल रही है हवा खाएगी तब, है ना। बना के हाँ लोग ऊपर बैठे हुए हैं, चाय पी रहे हैं अभी, और पूरी यहाँ पर रोटियाँ बना रही है। तो बस मैं आज की ब्लॉग को यहीं पे एंड भी कर देती हूँ, साथ साथ बाद में मैं भूल जाती हूँ। और आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और आज भी खेत में देखने बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत सारे लोग भी दिखे, ठंडी हवा भी खाई। तो मिलेंगे आप सब नेक्स्ट वीडियो भी, तब तक ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।